हेलो दोस्तों, बायोस के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा, पर इसके अलावा एक UEFI भी होता है। तो आज मैं आपको इसी बायोस और UEFI के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है आसू और आपका मेरे टेक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, इससे पहले आप सबको मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करने के लिए और 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट करने के लिए बहुत 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 सारा थैंक्स। तो दोस्तों, पहले बायोस के बारे में बात कर लेते हैं। बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये एक लो लेवल सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की मदरबोर्ड के चिप में होता है। बायोस में ही कंप्यूटर को बूट करने की बेसिक सेटिंग्स सेव होती है। बायोस के कुछ यूज़ में जैसे आप इसमें बूट ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, बायोस पासवर्ड सेट कर सकते हैं, CPU कैश को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, CPU सेटिंग मेमोरी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा रेड को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, और इसके अलावा फ़ैन और CPU की टेम्परेचर सबको भी आप मैनेज कर सकते हैं। बायोस का काम होता है कि जब आप कंप्यूटर की स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं तो बायोस ही आपके कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर्स कंपोनेंट को ऑन करता है, जैसे रैम, हार्ड डिस्क और इसके अलावा सभी हार्डवेयर्स को, और ये भी चेक करता है कि सभी हार्डवेयर्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं। इसे कहते हैं पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो इसमें अगर कोई हार्डवेयर जैसे मान लें कि रैम ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आपको कंप्यूटर ऑन होने के बदले लंबी लंबी बीप सुनाई देगी। तो इसे आप अपने कंप्यूटर की मैनुअल बुक में देख के पता कर सकते हैं कि ये बीप का मतलब क्या है और आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में सब कुछ सही होता है तो बायोस आपके हार्ड डिस्क में MBR यानी मास्टर बूट रिकॉर्ड को चेक करता है, जो कि हार्ड डिस्क की फर्स्ट सेक्टर में होती है, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, कहाँ है, जिससे वो बूट हो सके। इसके बाद बायोस MBR का यूज़ करके बूट लोडर लॉन्च करता है और आपकी कंप्यूटर स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम सारा काम संभाल लेता है। तो दोस्तों, ये है बायोस, और ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है और ये टाइम के साथ साथ ज़्यादा इम्प्रूव भी नहीं हुआ, इसीलिए इसकी कई लिमिटेशंस हैं। जैसे ये सिर्फ 2 TB तक की हार्ड डिस्क को सपोर्ट कर सकता है, उससे ज़्यादा की हार्ड डिस्क को बूट नहीं कर पाएगा, जबकि आजकल इससे बड़ी हार्ड डिस्क कॉमनली यूज़ होती है। इसके अलावा बायोस 16-bit मोड पर काम करता है, इसीलिए स्लो भी होता है, कंप्यूटर स्टार्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए बायोस को रिप्लेस करने की ज़रूरत हुई तो आया UEFI, मतलब यूनिफाइड एक्सटेंडेड फर्मवेयर इंटरफेस। 2006 में एप्पल ने अपने मैक PC में UEFI को इंक्लूड किया, और उसके बाद हर जगह धीरे धीरे UEFI ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर में बायोस को रिप्लेस करने लगा। दोस्तों, UEFI में बायोस की कई कमियों को दूर किया गया है, जैसे 2 TB की जगह आप उससे कहीं ज़्यादा बड़ी 9 ZB तक की मेमोरी का सपोर्ट करता है, जो कि फ्यूचर प्रूफ है। ऐसा पॉसिबल हो पाया है MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड की जगह GPT को यूज़ करने से। GPT यानी GUID पार्टीशन टेबल, ये MBR का एडवांस्ड वर्जन है जिसमें डेटा करप्शन का चांस कम होता है और अनलिमिटेड पार्टीशन को भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा UEFI 32-bit या 64-bit मोड पर भी काम करता है, तो ये ज़्यादा फास्ट भी होता है और आपके PC को बायोस के मुकाबले ज़्यादा फास्ट बूट करता है। इसके अलावा UEFI में सिक्योर बूट फीचर है जो OS में मेलवेयर को चेक करता है और आपको मेलवेयर से प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों, UEFI बायोस का एडवांस्ड वर्जन है। इसकी इंटरफेस भी ज़्यादा बेहतर होती है, आपको माउस सपोर्ट भी मिलता है और ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, और इंटरफेस भी फैमिलियर होता है, वरना बायोस में तो सिंपल सा इंटरफेस होता है जिसमें माउस भी यूज नहीं कर सकते हैं। आजकल सभी नए PC में बायोस नहीं, UEFI ही होते हैं, पर कंपनी इसे बायोस ही कहती है क्योंकि हम बायोस से ज़्यादा फेमिलियर हैं, और कंपनी UEFI की इंटरफेस भी बायोस जैसी ही रखती है, पर यह UEFI ही होता है। और UEFI में जाने के लिए आप पहले की तरह ही F12 या ESC या डिलीट प्रेस करके UEFI में जा सकते हैं, या विंडोज़ में सेटिंग में से भी आप UEFI में जा सकते हैं और इसकी सेटिंग को चेक या चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि बायोस और UEFI के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि ये बायोस का एडवांस्ड वर्जन है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।